नहीं, हम सब बहुत मर्माहत हैं और वो एक हम लोगों के साथ न सिर्फ मंत्रिपरिषद के वो सदस्य थे बल्कि निजी रूप में वो मेरे बड़े भाई भी थे और एक बड़ा शेर दिल इंसान जो ना कभी अपने सिद्धांतों से समझौता किया ना अपने जनता के हितों से समझौता किया और अंतिम सांस तक उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता की झारखंड के लोगों की आवाज़ को बुलंद किया। ऐसे योद्धा की मौत निश्चित तौर पर हम एक बहुत बड़ी क्षति है लेकिन ये अकाट्य सत्य भी है कि परमपिता परमेश्वर जीवन और मौत दोनों एक साथ लिखता है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनके श्री चरणों में इनको जगह मिले, इस दुख की बेला में उनके परिवार को भगवान धैर्य दे और जो विचार और सिद्धांत को उन्होंने हमेशा गरीबों के हित में, शोषित दलित वंचितों के हित में आवाज़ बुलंद की है, उस आवाज़ उनकी बुलंद बनी रहे ऐसी कामना मैं करता हूँ। और इस दुखद बेला में मैं किन शब्दों से अपनी भावना व्यक्त करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। लगता ही नहीं है कि जो कल तक मेरे बगल में बैठ कर इतनी मजबूती से अंतिम सदन में भी उन्होंने मजबूती से सरकार का जवाब दिया और जवाब में भी जो शालीनता उनकी रहती थी कि विपक्ष के सदस्य यदि कोई सवाल करते थे तो उनको पूरी तरीके से संतुष्ट भी वो करते थे। तो मैं समझता हूँ कि एक योद्धा की मौत हुई है, हम सभी लोग मर्माहत हैं, परमपिता परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनसे जुड़ी हुई कोई यादें आपको याद हो? ओबीसी का जब ओबीसी के आरक्षण की जब बात होती थी कैबिनेट में तब तब हम और हमारे जगन्नाथ बाबू उस बात को बहुत पुरजोर तरीके से रखते थे। कभी कभी जब बात होती थी राज्य के हित की बात होती थी, गरीबों की बात होती थी, पिछड़ों की बात होती थी तो उसमें हमारा और जगन्नाथ बाबू का दोनों का समान विचार होता था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको स्मृति पटल पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो कोविड का क्षण था जब उनको कोविड हुआ, किस परिस्थिति में रिम्स में रहे, फिर उनको जो देखिए हम बहुत मर्माहत हैं। जब मेरी माँ का निधन हुआ था तो बहुत ही हम मर्माहत थे, बैठे हुए थे, तो मेरे मन में भी कभी कभी थोड़ा सा एक छोटा सा कवि मन भी है। तो मैंने कुछ उस दुख की बेला में जब मेरी माँ मुझको छोड़कर परमपिता परमेश्वर में लीन हुई तो मैंने कुछ चार लाइन लिखी थी कि जिंदगी को सबने देखा, मौत की किसे खबर, आती है मुक्ति बनकर नींद का ये लंबा सफ़र, ना इसकी कोई मंजिल है ना इसकी कोई डगर, मौत कुछ और नहीं जिंदगी का नया सफ़र। तो मैं समझता हूँ कि हमारे बड़े भाई नया सफ़र अपने जीवन के नए सफ़र पर गए हैं और ये सफ़र उनका और भी ज़्यादा राष्ट्र को समर्पित होगा और जिस तरीके से उन्होंने राज्य की सेवा की, अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा की, गरीब दलित आदिवासी पिछड़ों की मजबूत आवाज़ बने रहे और शेर दिल इंसान बेबाक होकर बोलने की प्रवृत्ति, ना कभी झुकने की प्रवृत्ति, ना कभी रुकने की प्रवृत्ति और बड़े धार्मिक मिजाज के भी व्यक्ति थे। अभी उन्होंने एक मंदिर भी बाबा का बनाया था, मुझे अपने से ला के पूरा वीडियो दिखा रहे थे कि बन्ना भाई ऐसा ऐसा है और काफ़ी इंटरेस्ट लेकर उस भव्य मंदिर का उन्होंने निर्माण किया। तो जहाँ एक तरफ उनके मन में श्रद्धा है, दूसरे तरफ संस्कार है, तीसरे तरफ अपने जनता के लिए लड़ने की दक्षता और क्षमता है, तो ऐसे लोग के जाने से तो दुख होता है बात जो है। और वो मैं समझता हूँ कि वो उनके अंदर एक जुझारूपन था जो उन्होंने मौत को भी 2 साल पहले शिकस्त दी थी। ये अलग बात है कि परमपिता परमेश्वर ने उनको अपने पास बुला लिया है लेकिन कोविड में जिस तरीके से उन्होंने जंग करके अपने को बचाया था यह अभूतपूर्व था। ये उनका अंदर का जो क्षमता थी वो दिखाती थी।
अच्छा, ये कैबिनेट से जब 1932 का प्रस्ताव पास हुआ था तो सबसे अधिक खुश वही दिख रहे थे, और आप प्रधानमंत्रियों को चाकर वहाँ के लिए सम्मानित किए, तो उससे जुड़ी हुई कुछ बातें अगर याद है। निश्चित तौर पर देखिए, अब मैं क्या आपको कहूँ, जो आदमी गरीब के पक्ष का हो, दलित के पक्ष का हो, आदिवासियों के पक्ष का हो, पिछड़ों के पक्ष का हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो राजनीतिक होती हैं, बहुत चीज़ें भावनात्मक होती हैं। तो मैं तो उनसे व्यक्तिगत मेरे संबंध रहे, वो मैं हमेशा उनको दादा बोलता था, बड़ा भाई का उनको सम्मान देता था, और उन्होंने जब कभी भी बात किया, एक बार बीच में मैं उनके घर भी गया था उनसे तबीयत कुशल छेम पूछने के लिए, तो उस दिन भी जो है कहाँ से वो लड्डू मंगाए थे, तो बोले नहीं बन्ना है तो वो वाला लड्डू खिलाओ, और ज़बरदस्ती करके उन्होंने बैठ के अपने हाथ से दिया और खिलाया। तो बहुत सारे भावनात्मक क्षण हैं उनके बेटा के साथ। एक बार अभी पार्टी उन्होंने किया था, उसमें मैं गया था, अपने बेटा को लगा दिया कि नहीं तुम एकदम चचा को बढ़िया से खिलाओ बैठो, और बहुत सारे ऐसे क्षण होते हैं। अब क्या मैं कहूँ, लेकिन मन में वेदना है, पीड़ा है। ठीक है, थैंक यू। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।